तो चलिए बात करते हैं सीरियल नमक इश्क का। नमक इश्क का आज का एपिसोड खुलासेदार होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में वो राज खुलने वाला है जिसकी भनक अभी तक कहानी को नहीं थी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि युग कहानी को उसी के रूम में बांध देता है, उसके हाथ उसके पैर को बांध देता है और कहता है कि भले ही दुनिया की नज़र में हम पति पत्नी हैं, लेकिन अब तुम मेरी नज़रों में कैद हो चुकी हो और मैं और इस कैद से कभी भी आज़ाद नहीं होंगे हम और तुम। इधर जो है कहानी परेशान है, मन ही मन सोच रही है कि इस युग के कितने चेहरे हैं। कभी मेरी जान लेने की कोशिश करता है, कभी मुझे बचाने की कोशिश करता है। इधर युग जो है कहानी को छुप कर देख रहा है, उसकी आंखों में आंसू हैं। युग सोचता है कि पता नहीं क्यों जब भी कहानी की आंखों में आंसू होते हैं तो मेरा भी दिल दुखता है। कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर हमारा है। अब आपको बताते चले कि इसके बाद ये दिखाया जाता है कि युग कहानी के लिए खाना लाता है, जहाँ कहानी खाना नहीं खाती। युग कहता है दवा लेना है, इसलिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। और फिर कहानी जो है युग के हाथों से खाना खाती, फिर मेडिसिन लेती है। जैसे ही युग सोता है, कहानी भागने की कोशिश करती है, लेकिन युग की नज़र पड़ जाती है कहानी के ऊपर, वो उसे जाने नहीं देता है। फिर बगल में एक पॉट रखा हुआ था, उस पॉट को उठाकर कहानी युग के सर पर मार देती है। युग वहां पर गिर जाता है और आपको याद होगा एक ताला युग के पास है जिसकी चाबी कहानी के पास है, जो बचपन में ये दोनों दोस्त थे। जब हादसा हुआ था उस वक्त ये दोनों बिछड़ चुके थे, लेकिन अभी भी ये ताला चाबी इन दोनों दोस्तों के पास है। तभी वो ताला गिर जाता है। आपको बताते चले कहानी भागने की कोशिश तो जरूर करती है और भाग भी जाती है, लेकिन फिर वो लौट आती है युग को मरहम पट्टी करने के लिए, और तभी उसे वो ताला मिलता है। ताला देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है कि युग तो उसका दोस्त है। अब यहाँ कहानी भगवान के पास है और कह रही है कि अब मैं क्या करूं भगवान, क्योंकि अब मैं युग को देखूंगी तो मुझे वो युग दिखेगा जो मुझसे जबरदस्ती शादी किया है और मेरी जान लेने की कोशिश किया है। लेकिन हाँ, युग ने बचपन में ये कहा था कि तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोस्त हैं, तो मेरे पापा कहाँ हैं ये मुझे जानना है, और जब तक मैं इस घर में रहूंगी तभी मुझे ये पता चल पाएगा। अब कहानी इस घर में रहेगी एक नए मकसद के साथ। देखना दिलचस्प है कि शो में आगे और कौन से नए ट्विस्ट आते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मनीषा सन्हा की रिपोर्ट।